दोस्तों, अगर आपका गूगल अकाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा है, आपने हर एक तरीके से ट्राई कर लिया फिर भी आपका अकाउंट रिकवर नहीं हुआ दोस्तों, तो अब एक ही तरीका है कि आप गूगल को मेल करें दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोगों को गूगल को मेल करना नहीं आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप गूगल को कैसे मेल कर सकते हो दोस्तों, जिसकी मदद से आपका अकाउंट 24 घंटे के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल ऐप ओपन कर लेना है। तो यहां पर हम अपने फोन में गूगल ऐप ओपन करेंगे और यहां सर्च बार में आपको क्या सर्च करना है दोस्तों, यहां पर सिंपल आपको सर्च करना है गूगल, ठीक है, गूगल अकाउंट हेल्प, ठीक है, आपको सिंपल इतना सर्च करना है दोस्तों, गूगल अकाउंट हेल्प। और ये जो ऊपर सबसे ऊपर साइड दिख रहा है गूगल अकाउंट हेल्प, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ ऊपर लिखा होगा हेल्प सेंटर कम्युनिटी गेट स्टार्टेड विद गूगल अकाउंट। सिंपल आपको कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे की तरफ जाना है दोस्तों। यहाँ पर लिखा होगा ट्रेंडिंग पोस्ट, ठीक है, ट्रेंडिंग पोस्ट के अंडर में ही लिखा होगा फॉरगेट पासवर्ड टू ईमेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। सिंपल यहाँ पर जो ये ऊपर पोस्ट दिख रहा है ओरिजिनल पोस्टर लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर लिखा होगा अचीवमेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, लिखा होगा व्हाट इज़ द प्रोडक्ट एक्सपर्ट प्रोग्राम, उसके नीचे लिखा होगा गूगल हेल्प कम्युनिटी, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको थोड़ा नीचे की तरफ देखना है, लिखा होगा जीमेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर लिखा दोस्तों चेंज और रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है, यहाँ जो चेंज और रीसेट योर पासवर्ड है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, आपको थोड़े नीचे की तरफ आना है दोस्तों। यहाँ पर लिखा होगा टू रिक्वेस्ट अनदर ईमेल फॉलो द स्टेप टू रिकवर योर अकाउंट, सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, सिंपल यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिख लेनी है दोस्तों, जिस ईमेल आईडी को आप रिकवर करना चाहते हो उस ईमेल आईडी को इसमें आपको लिखना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप परेशान मत होइए, ये सारा गूगल को मेल करने का तरीका है। सबसे पहले जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ सही से फॉलो कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो आप ट्राई अनदर वे पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अगर आपको अगर गूगल आपसे 8 डिजिट का बैकअप कोड पूछ रहा है, वो भी नहीं है आपके पास, तो ट्राई अनदर वे पर क्लिक कर दीजिए। गूगल यहाँ पर आपसे फ़ोन नंबर पूछता है, अगर फ़ोन नंबर भी नहीं है आपके पास तो ट्राई अनदर वे पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा दोस्तों। तो क्या करना है कि इसका जो स्क्रीन शॉट है वो ले लेना है। तो यहाँ से हम इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे दोस्तों। यहाँ से मैंने इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ट्राई अनदर वे टू साइन इन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर क्या लिखा होता कुड नॉट साइन यू इन। अब दोस्तों यहाँ पर यही प्रॉब्लम हर किसी को लगभग लिख के आता है कि उनका अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा, तो अब आपको क्या करना है कि इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो सिंपल हमने इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको क्या करना है उसके लिए आप वीडियो को सही से देखना दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में जीमेल ऐप ओपन कर लेना है। जीमेल ऐप जब आप ओपन करोगे तो यहाँ ऊपर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। ये जो 3 लाइन है दोस्तों, ये जो 3 लाइन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आना दोस्तों। यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ आओगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प एंड फीडबैक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है, सेंड फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जब आप सेंड फीडबैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अलाउ वन टाइम एक्सेस पर क्लिक करना है दोस्तों। अब इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, रिपोर्ट एंड इशू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम चेक कर लेनी है, ठीक है। क्या है, चैन नोटिफिकेशन सेटिंग सेंड और रिसीव चैट, ये सारी चीज़ें होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अदर वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मैसेज टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल इसमें क्या टाइप करना है, जो चीज़ें मैं टाइप कर रहा हूँ वही चीज़ें आप भी टाइप कर लीजिए। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने सिंपल लिख लिया आई कांट रिकवर माई जी मेल अकाउंट, उसके बाद मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ये मैसेज सेंड कर दिया। अब उस साइड से भी कुछ मैसेज आता है तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लॉस्ट माई फोन एंड कांट एबल टू रिकवर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दोस्तों उसके बाद जब इस प्रकार का इंटरफेस आ जाए तो सिंपल आपको क्या करना है, जो ये ऊपर लिखा है ओरिजिनल पोस्टर लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोबारा से ये जो अचीवमेंट वाला ऑप्शन है, ये जो अचीवमेंट लिख के आ रहा है, यहाँ पर ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने फिर से इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा गूगल हेल्प कम्युनिटी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दोबारा से आएगा, दोबारा आपको ये जीमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आना है चेंज और रीसेट योर पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब और नीचे आ जाना है, यहाँ नीचे आओगे तो आपको कुछ ग्रीन कलर में लिखा हो एड नो रिप्लाई एट द रेट गूगल डॉट कॉम, ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जब दोस्तों आप इसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, ईमेल कॉपी शेयर सिलेक्ट, तो सिंपल आपको ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ईमेल पर जब आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका मेल करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ सिंपल वही चीज़ें आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ सेव कर रखा, वही चीज़ें मैं यहाँ पर भी लिख ले रहा हूँ। पर दोस्तों मैंने पहले से मैसेज टाइप कर रखा तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। कॉपी मैंने कर रखा था, इसे मैंने पेस्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ जो ऊपर ये जो आइकन दिख रहा है, ये जो टेढ़ा सा आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अटैच फाइल का ऑप्शन आएगा तो इस पर आपको जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया था उसे यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है, तो पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ दूसरे को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, जो ये ऊपर आइकन दिख रहा है एरो वाला, इस पर आपको क्लिक करना है तो ये आपका मेल सेंड हो जाएगा दोस्तों। अब जब आपका मेल सेंड हो जाए तो आपको वेट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है 48 घंटे तक। 48 घंटे में गूगल की तरफ से आपको मेल आ जाएगा दोस्तों, वहां पर वो आपको बताएंगे कि आपका अकाउंट रिकवर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वो आपको और भी तरीका बता देंगे दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।